अलवर में सुबह हुई दो घंटे की बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दी हो, लेकिन सड़कों पर नालों का पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पहली बारिश ने नगर परिषद के नालों की सफाई की मात्र दो घंटे में पोल खोल कर रख दी। साथ ही शहर में चल रहा सीवर लाइन के काम की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंसती हुई नजर आई। अभी जो बारिश हुई है ये लगभग 5:30 बजे चालू हो गई थी और बहुत अच्छी बारिश हुई है शहर में। इससे बिजली बचेगी, पानी भी बचेगा, पेड़ पौधों में भी पानी लग जाएगा, हरे भरे हो जाएंगे। ये मिट्टी धूल उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा उमस और गर्मी हो रही थी, इसमें राहत नहीं मिल रही थी जनता को। सभी प्राणी जीव परेशान थे, इससे बहुत राहत मिली है, बहुत अच्छी बरसात हुई है। इससे क्या है, अभी मालूम किया था फ़ोन करके, सिरसका साइड में बारिश हुई है, इससे एनीकट भर जाएंगे, जानवरों को पीने के लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा बहुत अच्छा। जयसमंद में भी कुछ पानी आ सकता है, इससे क्या है, पशुओं को चारा हो जाएगा गांव में। बस ये बरसात लगातार होती रही तो एनीकट भी भरेंगे, इससे शहर की पानी की समस्या दूर होगी, कूलर में पानी कम डलेगा, जो समस्या हो रही थी शहर काफ़ी इससे असर पड़ेगा शहर में। शहर में कई जगह पानी भी भरा हुआ है और साहब इससे काफ़ी राहत मिलेगी, हवा भी ठंडी है, मौसम भी है, इससे बिजली भी बचेगी सही समय पर। बहुत अच्छी बरसात हुई है, ये बहुत ज़रूरी थी। सर हमारा नाम रत्तीराम सैनी है। अभी देखा है लाल डिग्गी में भी पानी आ रहा है, काफ़ी पानी आ रहा है लाल डिग्गी में भी, तालाब में भी पानी आ रहा है बहुत। अलवर में तेज बारिश से शहर में चारों तरफ पानी लबालब हो गया, सड़कों पर पानी भर आया। मौसम जरूर खुशनुमा हुआ लेकिन पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई बारिश इतनी तेज थी कि मात्र 2 घंटे में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। लोगों को निकलने में परेशानी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद द्वारा शहर में सफाई के नाम पर हर माह करीब 80 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और समय समय पर नालों की सफाई के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक बारिश ने नगर परिषद के दावों की हवा निकाल दी। पर आम जन पानी की किल्लत को देखते हुए बारिश से राहत महसूस कर रहा है।